पिछले कई दिनों से विवादों में घिरी दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बेस्ड ये फिल्म दीपिका के करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण मूवी मानी जा रही है। दीपिका के जेएनयू विजिट करने के बाद से छपाक को बॉयकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसे में दर्शकों ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बहुत अच्छी है और जिस तरह एसिड अटैक्स के ऊपर चल रहा है ना, उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया हुआ। दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली बहुत ही ऑसम मूवी है और जितना भी इस पर विरोध हो रहा है, विरोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा काम किया मूवी पे। एसिड विक्टिम पे बेस्ड मूवी है। मेघना गुलजार की राइटिंग बहुत ऑसम है, बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपका बहुत सेकुलर मूवी बनाई है, इसकी मूवी बहुत ही बहुत ज़्यादा जो कि आज की फ्यूचर जनरेशन इन सब पे बनी हुई मूवी है। ऐसा बहुत अच्छी है, सोशल कल्चर भी है, मूवी बहुत चलनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये सोशल मूवी है, इसमें कोई किसी भी कास्टिज्म या किसी भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। फिल्म ठीक ठीक है, मेघना गुलजार अच्छी फिल्में बनाती हैं। अगर राजी और उनकी पिछली फिल्म तलवार, यहाँ तक कि मैं फिलहाल को भी याद करता हूँ, तो ये फिल्म थोड़ी कम है। मूवी अच्छी है, लड़कियों पे बेस्ड है और एसिड सच में अगर ऐसा चीज है तो रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन उसका जो कम होता है ना, डाइल्यूट फॉर्म, वो तो अभी डाइल्यूट फॉर्म में बिकता है, डायरेक्ट ऐसे आपको नहीं मिलता है, तो वो चीज़ सही था। दीपिका का जो कैरेक्टर है, जो आज तक उसने किया है, उसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। उसने हमें ये सिखाया, मतलब जैसे हम जितने भी लड़कियाँ हों या चाहे लड़के भी हो ना, हम अपनी ब्यूटी को ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसने हमें ये सिखाया कि मतलब कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवी काफ़ी अच्छी है, बहुत मोटिवेशनल है। जैसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम हार मान लेते हैं कि मतलब हमसे नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मतलब वो मूवी से मोटिवेट हुए हैं ना, तो मतलब जो अंदर की कुछ पावर है वो दोबारा, मतलब पावर, एक पावर है वो दोबारा आई है कि मतलब कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मतलब हार नहीं माननी, हम कर सकते हैं, मतलब